हेलो, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अहोई अष्टमी का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो पूजा हो चुकी है हम लोग की। डिटेल में मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि बहुत बार पहले भी शेयर कर चुका है। और अर्घ दे रहे हैं हम लोग अभी सन की, सूर्य की। और जैसे करवा चौथ में रात को चांद को देख के पूजा करते हैं ना, व्रत खोलते हैं, वैसे ही हम लोग तारा को देख के व्रत खोलेंगे। और उसके बाद बायना निकालते हैं हम लोग। अभी मॉर्निंग का काम हो गया है हम लोग का। मैं बिल्कुल रेडी नहीं होती ना, पता नहीं क्यों। आप देखोगे अगर दूसरे यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा रेडी होते हैं, बट फैशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कम्फर्ट है। क्योंकि मैं बिल्कुल हैवी कपड़े पहन नहीं पाती हूँ और मेकअप भी बहुत कम करती हूँ। तो बस सिंपल सी ये येलो कलर की कुर्ती अच्छी लगेगी इसलिए मैंने पहन लिया। आज है अहोई अष्टमी और मेकअप कुछ भी नहीं किया है। मन नहीं करता मेरा, फिर स्किन ख़राब होती है तो मैं नहीं करती। मैं तो सिर्फ पार्टीज़ वगैरह में जाती हूँ तभी करती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं करती। और बस नाश्ता वाश्ता हो गया हम लोग का। और क्योंकि आज हम लोग का फास्ट है तो हम लोग सिर्फ चाय पिए, मैं और मेरे मदर इन लॉ। और बस अभी मॉर्निंग का काम हो गया मेरा, सफाई वगैरह। अभी ये देखिए इसमें बेडशीट भी बिछाना है, ये सब कुछ मैं बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी डस्टिंग का काम। अभी मैं नाश्ता के बाद फ्री होकर सबसे पहले हम लोग के जो भगवान है मंदिर, उनका आसन सिलूँगी। तो जो हैंड मशीन रहती है ना घर की, उसी में सिलूँगी। और हो सकता है बहुत टाइम लग जाए मुझे उसमें, क्योंकि मेरे को कपड़े को कट करना है पहले, उसके बाद क्या बोलते हैं अस्तर का जो कपड़ा है उसको भी कट करना है, लेस वगैरह लगाना है, फोल्ड करना है उसको, फिर लेस लगाना है। और मैं इस बार सोच रही हूँ कि जितने भी भगवान की तस्वीर है ना, फ़ोटो जो रहती है, उनको भी कवर करके एक ऐसा भगवान का कपड़ा सिलो पोशाक। इससे पहले मैंने नहीं किया है तो मुझे मेज़रमेंट वगैरह लेके करना पड़ेगा, ठीक से समझ के कैसे करना है वो। और मैं दिखाऊंगी अगर प्रोसेस अच्छा बना तो। बस और क्या, अभी 10 भी नहीं बजे हैं, सारे काम हो गए मेरे। करना चाहूँ तो मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा काम कर सकती हूँ अभी, बट अभी भगवान का आसन हम लोग क्या दिवाली में हमेशा नया बिछाते हैं, नया आसन बिछाते हैं भगवान का। तो अभी 4-5 साल से तो मैं सिल ही रही हूँ, नहीं तो उससे पहले ऐसे कोई भी कपड़े को फोल्ड करके हम लोग बिछा देते थे। तो अभी 4-5 साल से मैं कपड़े को अच्छे से, लाइक वेलवेट का कपड़ा या फिर कोई अच्छा जरी वाला कपड़ा, अच्छा प्रिंट वाला कपड़ा ऐसा लेके उसमें लेस वगैरह लगा के प्रॉपर वहाँ पर सिलाई करके रखती हूँ, तो वो अच्छा दिखता है देखने में। तो इस बार भी मैंने रेड कलर का एक कपड़ा लेकर आई हूँ, दिखाऊंगी मैं आपको, वहाँ पे रखा है उस कमरे में। और बस करती हूँ काम, चलो। हेलो, इवनिंग का टाइम हो गया है। और अरे मैं अपना ओढ़ना लाना भूल गई, अभी अर्घ देंगे हम लोग। और तारा अभी तो बिल्कुल नहीं दिखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल हो रखा है और मैंने खाना भी नहीं बनाया है, अभी जाके बस बनाऊँगी। बच्चों का थोड़ा वर्क करा रही थी और क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस लग रही है मेरे को। लगातार मेरे एक एक दिन के गैप में फास्ट हो रहा है, लाइक पहले करवा चौथ, उसके बाद एक दिन के बाद फिर मैंने मंगलवार का जो फास्ट हम लोग करते हैं वो किया, फिर एक दिन का गैप था और आज फिर वही अष्टमी का फास्ट है। तो बहुत ज़्यादा एक एक दिन के गैप में फास्ट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है मेरे को। एंड जो और दिवाली वाले काम रहते हैं वो तो है ही, तो बहुत वर्कलोड हो गया, बिल्कुल बॉडी पेन कर रही है मेरी। तो फिर मैं भी थोड़ा सा आराम करते करते बच्चों को वर्क कराया, और डिनर इससे मैंने बनाया नहीं है, अभी बनाऊँगी। काफ़ी लेट हो गया है, लाइक खाने का टाइम, खाने का तो नहीं, 7:15 हो गया है। तो बस मिल्क दिया है अभी बच्चों को, मिल्क पी रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ। और बस मैंने सोचा सिंपल ही बनाऊँगी, मेरे मदर इन लॉ से पूछा तो उन्होंने भी बोला कि जो मन में आ रहे बना ले। तो बस क्या बोलते हैं, आलू मटर की सब्ज़ी मैंने सोचा है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी और पराठा, क्योंकि फलके नहीं खाते हम लोग फास्ट करके। और क्या बोलते हैं, लंच का थोड़ा सा बीन्स की सब्ज़ी बची है तो वो भी हम लोग में काम आ जाएगी।
और बहुत हैवी नहीं बनाती मैं फ़ास्ट करके स्पेशली, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है, और कढ़ाई की पूड़ी वगैरह ये सब नहीं बनाती मैं, पराठा ही बनाऊंगी। तो बस फटाफट बन जाएगा, आधे घंटे में बन जाएगा। अभी मैंने कुछ भी तैयारी नहीं करी है, सिर्फ बच्चों को मिल्क दिया है तो पी रहे हैं वो लोग, देखोगे तो आप बैठेंगे। और बस चलो करती हूँ मैं जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी लेट हुआ है। आ जा चीनी पूजा करेगी तो ठीक आ जाएगा। तो खाना वाना बन गया मेरा, और चांद तारा देखने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, बट देख ही नहीं रहे, तो 8 बज रहे हैं अभी। सोच रहे हैं ऐसे ही कर लेते हैं पूजा, क्योंकि और भी जो रिलेटिव्स हैं ना हम लोग के कई, उन लोगों ने बोला कि ऐसे ही कर लिया हम लोगों ने पूछा। और बहुत बादल है, मेरे को ऐसा लग रहा है जो वो लाइट नहीं आ रही है, बहुत बादल हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि वो क्या बोलते हैं, साइक्लोन आया है ना वेस्ट बंगाल में एंड उड़ीसा में, तो उसके उसी का इफेक्ट है शायद, या बहुत ज़्यादा बादल हो रखे हैं। कोशिश करते हैं देखने की। साढ़े 10 से थोड़ा ऊपर हुआ है और बाकी सब कोई सो गए, बच्चे अभी गए हैं और बस सो गए। हम लोग का हो गया आज कभी, आप लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो मुझे कमेंट करके बताना। तो ऐसा कुछ खास नहीं करता मॉर्निंग में, बस वही कहानी जो सुनते हैं, पूजा करते हैं, बायना निकालते हैं, यही सब है। और बस फिर दिन भर फास्ट रहते हैं, और शाम को 6 बजे के अराउंड तारा निकल जाता है, बट आज बादल था ना बहुत ज़्यादा, तो 6 बजे से हम लोग चेक कर रहे थे निकला क्या निकला क्या, तो तारा तो निकल गया था बट दिखाई नहीं दे रहा था बादल के कारण। तो फिर क्या बोलते हैं 8 बजे तक वेट किए हम लोग, उसके बाद फिर तब तक मेरा खाना वाना भी बन गया था, फिर उसके बाद हम लोग पूजा कर लिए, मैंने बताया भी होगा। और ये है स्याऊ, इसको पहनते हैं हम लोग, और दिवाली वाले दिन इसको निकाल के पूजा करते हैं, जो पूजा की थाली रहती है उसमें निकाल के रखते हैं। बस हो गई पूजा, रख भी हो गया और सही नहीं, बस थोड़ा सा हम लोग भी टीवी देखते हैं, पता नहीं साउंड आ रही है कि नहीं, क्योंकि टीवी का बहुत ज़्यादा साउंड है। अभी तो हम लोग टीवी से देख रहे हैं, बाद में देखेंगे बिग बॉस देखेंगे अगर तो थोड़ी देर।